स्टूडेंट्स, आज हम एसटीपी के अंदर हैं और हमारे साथ हैं मिस्टर पंकज जी। जी सर। ये आपको एसटीपी के बारे में बताएंगे। इनको करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है एसटीपी ऑपरेट करने का और एक अच्छी नॉलेज है इसके बारे में। और आज आप पूरा बताएंगे एसटीपी में कौन से टैंक होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कौन से पंप लगे रहते हैं। तो थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में और थोड़ा सिस्टम के बारे में भी। मेरा नाम सर पंकज कुमार दास है। मैं यहाँ आधार कार्ड में जॉब करता हूँ। 3 साल से जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सिस्टम में क्या कुछ होते हैं एसटीपी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन से टैंक होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं एसटीपी में। सर सबसे पहले तो स्किन गार्ड में आता है अपना पानी, जो भी है स्किन गार्ड से इक्वलाइजेशन टैंक में आती है पानी। बार स्क्रीन चैम्बर बोलते हैं। हाँ, बार स्क्रीन चैम्बर जिसको बोलते हैं, वहाँ पानी आता है। वहाँ पानी स्टोर हो जाने के बाद हम लोग उसको पंप के थ्रू फैब टैंक में लेते हैं। ओके। फैब टैंक में आता है पहले, सबसे पहले फैब टैंक दो होते हैं। तो इसमें ऊपर चल के देखें फैब टैंक कैसा है। जी सर। सर इसको चलाते हुए नहीं दिखाना है। तो ये हमारा फैब टैंक नंबर 1 है, सबसे पहले इसमें पानी आता है। ओके। उसके बाद सर नंबर 2 पे ओवरफ्लो होके सबसे पहले आप कह रहे फैब टैंक 1 में आएगा। हाँ। वहाँ से पंप चलाते हमारे फैब टैंक 1 में आ जाएगा। जी सर। उसके बाद यहाँ से ओवरफ्लो होके इसमें चला जाएगा, दूसरे नंबर 2 पे आएगा। इसको फैब टैंक क्यों बोलते हैं और ये जो पड़ा हुआ इसको क्या बोलेंगे इसके अंदर? फैब सर, ये फैब मीडिया है सर। ओके। और फैब टैंक इसको हम इसीलिए भी कहते हैं कि इसमें जो है बैक्टीरिया ग्रोथ सर इसी टैंक में ही होता है। नंबर 1 और नंबर 2 दोनों में ही बैक्टीरिया जो अपना होता है यही ग्रोथ होता है इसी में। इसमें ब्लोअर क्यों चलाते हैं हम? एयर ब्लोअर चलाते हैं इसके अंदर, क्यों चलाते हैं और कितनी देर चलाना चाहिए? एयर ब्लोअर सर 24 आवर चलेगा इसमें, इसीलिए कि बैक्टीरिया ना तो मर जाएगी सर हमारा। Okay. उसका बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन का काम करता है हमारा ब्लोअर। तो इसमें हमारा जो पंप है वो कंटिन्यू ब्लोअर है, कंटिन्यू इसके अंदर चलना चाहिए। हाँ, कंटिन्यू सर 24 घंटा। बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए क्या कुछ डालते हैं इसके अंदर? हम सर DOP, यूरिया और गुड़ डालते हैं सर इसमें। Okay. अगर कई बार क्या होता है ना, बिल्कुल ही बैक्टीरिया मर जाता है, तो उस कंडीशन में कैसे नया बैक्टीरिया कैसे पैदा कर सकते हैं? उस कंडीशन में सर सबसे पहले स्टोशन के लिए गोबर जो होता है सर, गोबर डालेंगे तब जाके गुड़, कम से कम जो ये प्लांट हमारा 25 KLD का है तो इसमें कम से कम 20 किलो गुड़ डालेंगे दोनों में। उसके बाद सर DAP यूरिया जो होता है वो भी 5 किलो करके दोनों में डालना पड़ेगा। और जब तक सर 15 दिन लगेगा सर ग्रोथ करने के लिए कम से कम, तब तक हम लोग प्लांट को चलाएंगे नहीं आगे पानी। Okay. इसी में स्टोर करके इसी को हमेशा 24 आवर चलाते रहेंगे। यही सिस्टम है सर बैक्टीरिया ग्रोथ का। तो यहाँ से ओवरफ्लो के इस टैंक में, तो इसमें ये जाली सी इसलिए लगा रखी है कि ताकि जो हमारा फैब मीडिया है वो आगे न जाए। हाँ, फैब मीडिया सर जो आगे न जाए इसीलिए जाली लगा हुआ है सर। ओके, तो यहाँ से ओवरफ्लो होके दूसरे टैंक में चला जाए। जी सर, ये ट्यूब सेटलर टैंक में जाएगा सर। क्या नाम है इसका? ट्यूब सेटलर टैंक। जी सर। ट्यूब सेटलर क्यों बोलते हैं इसको? ट्यूब सेटलर टैंक सर इसलिए बोलते हैं इसका सर, नीचे सारा जो सेटल हो जाता है। हाँ, इसमें क्या है सर, नीचे पानी नीचे से ऊपर को और आता है पानी, जो भी मैंने सलज वगैरह होगा वो नीचे से सेटल हो जाएगा और पानी हमारा सर वो फिल्टर टैंक में जाएगा। पानी पाइप दिख रहा है, सबसे पहले वो नीचे जाएगा पानी। हाँ, नीचे से फिर ऊपर आएगा और फ्लो के ऐसे कैसे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ होता है, मतलब इसमें साफ हो गया इसमें आ जाता है बेसिक? जी सर, इसमें भी सर एक हम लोग का ये होता है जो ज़्यादा सलज इसमें हो गया जमा तो उसको फिर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं सलज टैंक में। सलज टैंक जो हमारा सबसे पहले वाला। हाँ, सबसे पहले वाला टैंक है उसमें सर हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, कम से कम हफ्ते में एक बार कर ही देते हैं। ज़्यादा सलज हो जाने के बाद पानी जो आगे जाएगा तो सर गंदा जाएगा पानी वो, इसीलिए इसको हम लोग उसको बीच बीच में उसको उधर सेटलिंग कर, हफ्ते में सर एक बार कर देते हैं। हफ्ते में एक बार सलज ट्रांसफ़र करना पड़ता है। हाँ सर। ये लास्ट वाला कौन सा टैंक हो गया? ये सर फिल्टर टैंक है सर। ओके। इस टैंक में सर क्या होता है कि हम लोग क्लोरीन का डोजिंग भी लगाते हैं। ओके। का डोजिंग इसमें करते हैं सर, उसके बाद हम फिल्टर चला के पानी, MGF फिल्टर है, SEF फिल्टर है। ओके। तो सबसे पहले सर MGF फिल्टर में आएगा, उसके बाद SEF फिल्टर में, उसके बाद UV सिस्टम से होते हुए डायरेक्ट वो ट्रीटेड पानी में जाएगा ये। अच्छा,
पानी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? सर बढ़िया क्वालिटी का पानी होता है सर, इसमें गार्डन में भी यूज करते हैं और कूलिंग टावर में भी यूज करते हैं। फ्लशिंग में भी यूज होता है? हाँ, फ्लशिंग में भी सर यूज होता है। तो यहाँ पे जो पंप लगे हुए हैं उनके बारे में थोड़ा ब्लोर है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए? जैसे सारे पंप हमारे दो दो लगाए जाते हैं, इसमें दो दो इसलिए लगाते हैं सर, स्टेप बाय जो ये ख़राब हो गया तो एक काम करेगा तब तक दूसरा फिर ठीक हो जाएगा, इसलिए हम दो सब में रखते हैं क्योंकि इसको 20 चलना ही चाहिए ना, जो एक रहेगा तो सर काम नहीं होगा। जी जी सर। तो ये क्या चीज़ है? ये सर फिल्टर प्रेस है। फिल्टर प्रेस है ये? हाँ जी सर, ये फिल्टर प्रेस है, इसमें हम लोग जो भी सलज आता है, सलज ज़्यादा सलज रहता है उसमें बनाने के बाद इसमें हम लोग केक तैयार करते हैं इसमें। तो इसमें प्रेशर से पानी जाता है, काम कैसे करता है ये? काम सर ये मोटर चलाना पड़ता है, मोटर चलाएंगे पहले, उसके बाद सर पानी यहाँ से होते हुए इस पे आएगा। okay. अपना फिल्टर पे जो भी पानी है वो सर इससे ड्रेन होगा और बाकी जो इसको लूज करते हैं हम लोग, जैसे कि जब चलाते हैं तो इसको लूज करके रखते हैं ना, इसको लूज करते हैं उसके बाद सेटिंग करते हैं इसमें, उसके बाद जब मान लें पानी पूरा ये हो जाएगा तब इसको पूरा टाइट कर देने के बाद इसके अंदर हमारा जो केक है वो रेडी हो जाता है। रेडी जब हो जाता है उसके बाद इसको निकाल के सब तैयार करते हैं केक। इसका खाद वाद में यूज हो जाता है नहीं? तो? जी सर, खाद में यूज होता है, गार्डन में हम लोग यूज भी करते हैं। तो ये सारा सिस्टम है, ये ब्लोअर है, ब्लोअर में कुछ ध्यान रखना पड़ता है? ब्लोअर में सर हम लोग क्या करते हैं 15 दिन में ऑयल वगैरह चेक करते हैं इसका, इसमें गियर ऑयल है कि नहीं सेटिंग से, उसको गियर ऑयल डालते हैं, फिल्टर को सफाई करते हैं हफ्ते में सर, ये फिल्टर जो है फिल्टर को हम लोग सफाई करते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं जो रीडिंग कितने दिन में देर में लेनी पड़ती है, क्या क्या रीडिंग्स हैं होती हैं? एक घंटे पे सर रीडिंग लेते हैं हम लोग, हर घंटे पे रीडिंग लेते हैं। तो इसमें किस किस चीज़ की, सारे पंप्स की रीडिंग आती है, क्या क्या चीज़ की रीडिंग में क्या कुछ? सारे पंप की रीडिंग सर इसमें आती है। और कोई ऐसी चीज़ इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे MLSS होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो हमें देखनी होती हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हम देखते हैं? MLS जैसे कि सर हम लोग का ट्यूब सेटर में 30% से ज़्यादा सर MLS नहीं होना चाहिए, 30 से नीचे ही होगा उससे में हम लोग सलज तब ट्रांसफ़र कर देते हैं सलज टैंक में, यही हमारा मैंने प्रोसेस है यही। उससे ज़्यादा होने से फिर पानी में दिक्कत और होगा। क्या कुछ चेक करते हैं इसमें पानी की क्वालिटी में? पानी की क्वालिटी में सर जैसे कि हार्डनेस चेक करते हैं, STP का पानी का हार्डनेस कम से कम 100 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही चेक करते हैं सर, ये सर डेली चेक होता है। तो ये ऑटोमेटिक पैनल लगा हुआ है? हाँ सर, ये ऑटोमेटिक पैनल है। ओके, कोई है नहीं है तो ऑटोमेटिक अपने आप पंप वगैरह को चलाता रहेगा और सब कुछ? जी सर। ठीक है, मैक्सिमम कितने देर तक मेरा अगर है कोई इमरजेंसी हो गई है, कितनी देर तक मैं जो मेरा ब्लोअर है उसको कितनी देर तक बंद रख सकता हूँ जिससे बैक्टीरिया मरे नहीं? कम से कम 20-25 मिनट सर, उससे ज़्यादा नहीं। 25 मिनट कम से कम। तो फ्रेंड्स आज हमने STP के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, आप लोगों ने लाइव देखा है कि सबसे पहले हमारा आता है, मैं रिव्यू कर देता हूँ अगर मेरा कहीं गलत होता है तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा। सबसे पहले बार स्क्रीन चैम्बर में आता है हमारा, बार स्क्रीन चैम्बर से सलज होल्ड कौन सा क्या इक्वलाइजेशन टैंक है, इक्वलाइजेशन टैंक में आएगा, इक्वलाइजेशन टैंक से पंप के थ्रू जब हमें ज़रूरत होती है हम फैब टैंक 1 में उसको डाल देते हैं, और इसके अंदर हम ब्लोअर चलाते हैं कंटिन्यू, और इसके अंदर हम बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं। जी सर। फैब मीडिया इसके अंदर यूज किया वो है सर। और गुड़ और गोबर वगैरह का भी मिश्रण हमें इसमें कंटिन्यू डालना पड़ता है बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए, बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए। जी सर। इसके बाद में ओवर फ्लो होके वो फैब टैंक 2 में चला जाता है, और फैब टैंक 2 से ओवर फ्लो होके ट्यूब सेटलर में जाता है, ट्यूब सेटलर में वो सीधा बिल्कुल नीचे आएगा, पहले पानी जो कचरा रहेगा वो नीचे होल्ड हो जाएगा और पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। जी सर। तो और फाइनल में फिर आपका फिल्टर फीड पंप में चला जाएगा, उसके बाद हम मल्टीग्रेड फिल्टर और एक्टिवेट कार्बन फिल्टर दोनों में से आते हुए यूवी फिल्टर में जाते हुए हमारा ट्रीटेड वाटर में जाएगा, वहाँ से हम पार्क में यूज कर लेते हैं। जी सर। यही है, ब्लोअर हमारे कंटिन्यू चलने चाहिए, ब्लोअर हमें बंद नहीं करने हैं, और जो पंप हैं पंप भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे टाइम से चलाने चाहिए, चलाना होगा। और जो केक बनाते हैं हम
वो कितने दिन में बन जाता है मतलब? यस सर मोटा मोटी दो तीन हफ्ते के बाद। हाँ, तीन हफ्ते के बाद। तो जितना यूसेज होगा वो तो उसके ऊपर डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सर वो। ठीक है, तो बीबी कुछ छूटा नहीं है, तो आज हमने यहाँ से काफ़ी कुछ लर्न कर लिया है। अगर आपको लगता है कि ये ही इज़ ए नॉलेजेबल पर्सन, आपको लगता है आप वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि आप ये कहीं आपको अच्छी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दे दूंगा। और ये दिल्ली NCR में ही इज़ एग्री टू वर्क, दिल्ली में आप कहीं पे भी काम करते हैं, दिल्ली और नोएडा में? जी सर, दिल्ली नोएडा में इनको अच्छा पैकेज मिलेगा, तो ही इज़ एग्री टू वर्क। और कि एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। मैं सारी फैसिलिटी से रिलेटेड वीडियो है वो आपके लिए लेके आता रहा हूँ और आगे भी लेके आता रहूँगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।